आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लाइफ इन स्कूल कैंपस के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जहां पर आज योगा का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये विद्यालय देवरिया जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर हमारे पास हैं, अभी सारा आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, योगा से क्या लाभ है और योगा ट्रेनर कौन आए हैं। तो थोड़ा सा सर संक्षिप्त अपने विद्यालय के बारे में बताएं सर। विद्यालय आरएमएस, विद्यालय का नाम आरएमएस एकेडमी है और ये पिपरा बांध लाल रोड देवरिया में पड़ता है, सलेमपुर एरिया में पड़ता है। और विद्यालय में करीब 700 बच्चे हैं हमारे यहाँ अभी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय में और भी बढ़िया एक्टिविटीज़ ऐसे ही करते रहें। चूँकि हमारे जानने वाले हैं पंडित श्री शैलेशधर द्विवेदी जी, जिनको हमने एज अ योग गुरु योगाचार्य इनवाइट किया हुआ है, जो आज हमारे सारे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। और उनसे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे एक बढ़िया जो है योग सीख पाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि मैं पुराने विद्यालय में जहाँ भी रहा हूँ तो वहाँ भी उन्होंने योग की शिक्षा दी हुई है, जिनसे मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे यहाँ पे समय जो मैं मेरा कार्यकाल है, इस दौरान जो है वो अपना समय दें और बच्चों को सिखाएं। इससे बच्चों को एक बढ़िया सीख मिलेगी और उनसे जो है उनके शारीरिक तो विकास होना ही है योग से, इसके अलावा उनका बौद्धिक विकास भी होगा, क्योंकि योग एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है इसकी वजह से। सर एक चीज़ और बताइए, विद्यालय का एस्टेब्लिश कब हुआ था आप? विद्यालय 2016 में शुरू हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा जो है वो रहा है, बाकी विद्यालय बहुत ही बढ़िया है। विद्यालय के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक हैं, वो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे? मैनेजमेंट में एक हमारे जो है जो डायरेक्टर साहब हैं, वो 24 आवर्स विद्यालय के लिए लगे रहते हैं। जो भी अरेंजमेंट्स हैं ये सब उनकी गाइडलाइंस में हो रहा है, उनके जो है अनुशासन में हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, प्रबंधन तो बहुत ही बढ़िया है, हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। मेरा घर लखनऊ में पड़ता है, मैं लखनऊ से आकर के यहाँ पे जो अगर वर्क जॉब मेरा है, कार्य कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि प्रबंधन बहुत ही बढ़िया है। सर आप लखनऊ से यहाँ कैसे आए? लखनऊ से सर सबसे पहले तो मैं गोरखपुर आया, गोरखपुर में कुछ विद्यालय में मैंने काम किया। चूँकि मेरी सोच ये है कि मैं जो अगर शहर के बच्चों को ट्रेन करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, उनको एक अच्छी शिक्षा देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जो वर्क जॉब सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा कम होगा। ये सोच लेकर के मैं ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ या करने आया हूँ जहाँ पे मुझे बच्चों को बढ़िया सिखाने का मौका मिलता है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद हम लोगों के जैसे की ज़रूरत पड़ रही है, और इसका एक बेनिफिट ये है कि बच्चे बहुत बढ़िया सीख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, हम लोग उस रूप में लेकर के आ पा रहे हैं। चलिए सर, ये इस ग्रामीण अंचल में आप उनके कुशल निर्देशन में पूरा विद्यालय का कार्यभार देख रहे हैं सर, पहली बात तो ये पूरा समाज रेडी रहेगा और समाज को शिक्षित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर कि आप ऐसे कार्यक्रम कराते रहिए सर, और ताकि गांव का विकास हो और ये बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश को आगे ले जाएगी और इनकी जो सोच है और सृजनात्मक तरीके से ये लोग देश के लिए काम करेंगे। एक बार पुनः हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आइए थोड़ा सा हम बच्चों से भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो आज योगा का कार्यक्रम है और बच्चों में इतना उत्साह है कि वास्तव में इनकी खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या नाम आपका? साजिदा खातून। अच्छा सर, क्या बनना चाहती हैं आप? कौन सी क्लास है आप? सेवेंथ। आपका नाम? ज्योति यादव। और कौन सा क्लास है आपका? सेवेंथ। सेवेंथ में आप? यशी पांडे। कौन सा क्लास है आपका? सेवेंथ। आपका? अलीना सिद्दीकी क्लास टेंथ। आप? मैं कुमारी क्लास टेंथ। आप? स्नेहा सिंह क्लास टेंथ। आप? काजल विजय। क्या बनना चाहते हैं बताइए? आईएएस ऑफिसर। आईएएस? आप? डॉक्टर। आप? आईएएस ऑफिसर। अनुपमा चौधरी। अनुपमा कौन सा क्लास है? नाइन्थ। नाम और क्लास बता दीजिए। जागृति नाइन्थ। आप? साइबर खातून क्लास नाइन। वर्तिका सिंह क्लास नाइन। आप? दीक्षा सिंह क्लास इलेवन। आप? शिवांगी त्रिवारी क्लास इलेवन। प्रिय प्रजापति क्लास इलेवन। आप? खुशी सिंह क्लास इलेवन। आप? रितिका आर्य क्लास। नाम बता दीजिए आप लोग। खुशी सिंह क्लास इलेवन। आप? विजय लक्ष्मी वर्मा क्लास नाइन। खुशी यादव क्लास नाइन। आप बता दीजिए इधर आइए। खुशी सिंह क्लास नाइन। आप? छवि सिंह। आप? रोशन प्रजापति क्लास नाइन। चलिए, ये बच्चे हैं, थोड़ा सीनियर बच्चे हैं, काफी जागरूक भी है, आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? कोई बताएगा? योगा आने वाला है। योगा आने वाला है, हम योगा करेंगे। अच्छा, योगा से क्या फायदा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा एक्सरसाइज? बॉडी फिटनेस। बॉडी फिट रहेगी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत, और फोकस बना रहता है पढ़ाई पे। हमें ये रोज रोज मौका नहीं मिलता है, आज मिला तो हम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। अच्छा, एक कहावत है,
हेल्थ इज वेल्थ, वो आज चरितार्थ होने वाला है। योगा का कार्यक्रम कुछ ही समय में शुरू होगा जी सर। और हमारे बच्चे, ये विद्यार्थी जो देश के भविष्य हैं, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बहुत उत्साहित हैं। तो सबसे पहले आप लोग भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय। गुड गुड। क्या नाम आपका? प्रिंस। क्लास 9th। नाम और क्लास बोलते जाइए। इंद्रजीत कुमार। आप? आदित्य वर्मा क्लास 9th। पुनीत यादव क्लास 9th। हिमांशु यादव क्लास 9th। बलबीर कुमार क्लास 9th। प्रियांशु यादव क्लास 9th। किशन सिंह क्लास 9th। अजय सानी क्लास 9th। मानसु कुमार क्लास 9th। आर्यन क्लास 9th। नितेश यादव क्लास। सबसे पहले बताइए योगा से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? सर, योगा से जो हमारा बॉडी का स्ट्रेस है सर, वो कम होता है। सर, हमारा माइंड बहुत तेज से काम करता है और सर हमको कोई भी रिलैक्स फील होता है। बहुत अच्छा है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, पढ़ेंगे ना? गुड। जाइए जाइए। तो आज योगा का कार्यक्रम है, ये योगा हमारे बच्चों के लिए किस तरह से फायदा करता है, क्या नाम है? ये मेरा नाम खुशी कुमारी पाठक है और मैं आरएमएस स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे लिए ये मतलब ठीक लग रहा है ये कि ये योगा से बच्चों के शरीर में एनर्जी आएगी और इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक है। चलो, बहुत अच्छा है जी। आगे क्या प्रयास है, कैसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे? यस सर, मेरा मतलब यही कोशिश रहेगा कि आगे ये कार्यक्रम होता रहे ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। योगा कार्यक्रम अभी कुछ ही समय में शुरू होगा और यहाँ पर बच्चे कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका? सर, अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, योगा कार्यक्रम होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस। ऐसा कभी हुआ था? नो सर। चलिए, नाम बता दीजिए आप। प्रिंस यादव। आप स्नान किए हैं? स्नान नहीं किए आप? सर किए हैं। अच्छा, चलिए। आपका नाम? रामेंद्र चतुर्वेदी। कान्हा सिंह। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, इधर दिखाइए। कान्हा सिंह। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम? शुभम कुमार गौतम। शुभम कुमार जी, विमलेश जी, पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते हैं ना? यस सर। क्या बनना चाहते हैं आप? सर, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। यस। चलिए, भारत माता की जय। गुड गुड। आपका नाम? अभिजीत मिश्रा। आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है ना? यस सर। यस सर। क्या नाम आपका? मान्या सिंह। आज योगा का कार्यक्रम रखा गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से क्लास में आप? 8th। 8th में क्या बनना चाहते हैं? मैं पुलिस। पुलिस, गुड। तो ये पुलिस बनने का सपना कहाँ से आया? कोई है घर में? हाँ, चाचा छोटे वाले। good, आर्मी मैन है। आर्मी मैन है, चलिए मेहनत से पढ़िए। आपका नाम क्या है? आरुषि विश्वकर्मा। आरुषि विश्वकर्मा जी, क्या बनना चाहती है? IAS। विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। हम लोग का विद्यालय बहुत अच्छा है। विद्यालय का नाम बताइए? आरएमएस एकेडमी। ये कौन से जिले में पढ़ता है? देवरिया। देवरिया, चलिए। आपका नाम? नंदिनी शर्मा। नंदिनी शर्मा जी, योगा का कार्यक्रम रखा गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ था? नो सर। कब से यहाँ पढ़ रही है? सर, 3 साल से। 3 साल से, तब तो बहुत ज्यादा अनुभव का विद्यालय के बारे में। yes, कुछ बताइए। सर, विद्यालय में हम लोग के पहले जो फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब वो जी जी, इसका मतलब बहुत अच्छा से अब अच्छा हो रहा है, मतलब पहले से फैसिलिटी अच्छी हो गई है हम लोग के विद्यालय की। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम? जिज्ञासा यादव। आपका नाम? सहता यादव। चलिए, आप लोग बैठ जाइए, ठीक है ना? आज योगा का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ऐसा कभी हुआ था? नो सर। क्या बनना चाहते हैं? आइए इन बच्चों से। क्या नाम आपका? साक्षी मिश्रा। साक्षी जी। आपका? नैन्सी दुबे। आपका? सर, दीपिका मिश्रा। अच्छा अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं आप? सर, टीचर। टीचर। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बैठ जाइए आप। आरएमएस एकेडमी में आज योगा का कार्यक्रम है और यहाँ पर जो भाग विधाता हैं, मैम हैं और टीचर्स हैं, कितनी अथक प्रयास से बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। योगा हमारे लिए और सबके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद सहनी है। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं मैथ्स PGT पढ़ाता हूं। अच्छा, आप सर? मेरा नाम अनुराग है सर। हाँ। और मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूं। अच्छा, आप? सर, मेरा नाम निधि पाठक है। हाँ। मैं LKG की मदर टीचर। ठीक है। माई नेम इज अश्मिता यादव, मैं GK पढ़ाती हूँ। सर, मेरा अर्चना चौहान नाम है, मैं NCC की टीचर हूँ। सर, मेरा नाम तरन्नुम खान है, मैं साइंस की टीचर हूँ। मैं रुचि मोदनवाल, PRT टीचर। जी, मैं खुशी पाठक और मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाती हूँ। माई सेल्फ अजय रंजन पांडे, PGT केमिस्ट्री। आप सर? दिस इज अमित कुमार चौधरी, PGT कॉमर्स। तो मैं चाहता हूँ कि एक संक्षिप्त जानकारी आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कितना फायदा करता है योगा बच्चों के लिए? देखिए, योग जो है मनुष्य को मानसिक और शारीरिक सभी क्षमताओं से निपुण करता है। शारीरिक क्षमताओं को निपुण करने के उद्देश्य से हम ये सोचते हैं कि सभी बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जहां उनको यह लक्ष्य रहे कि बच्चे जो है शारीरिक रूप से यह समझे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक मूलभूत इकाई है।